क्या करिए ये तो नहीं है सर भूख से पेट हाँ ठीक है, वो अंदर स्कूल है, वीज़ा का मसा हम बताने जा रहे हैं कि मिलाने जब हम उसको समझा तो दिमाग पर उड़ गया, इतना जबरदस्त आयत मैं आयत में पढ़ के सीन सामने आपको आ जाएगा, एक सीन आएगा आपको, सीन अल्लाह दिखा देता है और सीन कैसे बदल रहा है वो देखिएगा। जो हम बताए वक्त का बताने का बहुत मुश्किल है, बात समझाना कोशिश करें कि अल्लाह मुझे आसान करे, कोशिश करें समझाने का अल्लाह आसान करे, आप समझाना और आपके समझना हमें। मैंने एक सीन है, एक सीन आपके दिमाग में है, एक कैमरा है, वो कैमरा आपको पूरा सीन दिखा रहा है, ठीक है। मेरे कैमरा कब का कैमरा है, 14 साल पहले का कैमरा है, तो देखिए कितना जबरदस्त कैमरा है। वो वही है حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَجَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ ایک آیت اس کے بعد بیان کرنا دریا میں سے لکھ دیے کہ ہم ایک سارے अल्लाह वो है या फिर वो वही है जो सफर करवाना या सफर में आसानी देना। अल्लाह वो है जो क्या करता है, आसान करता है तुम्हारे लिए सफर करना, ट्रेवलिंग करना, इसके लिए तुम्हारे लिए आसान किया। कहाँ पर? फिल बर्री, खुश्की में, जमीन में, वल पानी, पानी में, समुद्र में। अल्लाह वो है जिसने आसान किया तुम्हारे लिए, इसके लिए हम क्या टॉपिक करें, इल्तिफात। कुम मैंने अल्लाह शुरुआत करें किससे, सामने मुखातिब। सब पर ध्यान दीजिए, इस चीज को समझना जरूरी है, तो बताना चाहिए, इसको आप समझ जाइएगा इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा।
अल्लाह वो है जिसने आसान किया तुम्हारे लिए सफर करना ट्रेवलिंग को, फिल बर्री जमीन में खुशकी में, फल बहरी समुंदर में पानी में, हत्ता जब यहाँ तक के तुम, यहाँ तक के जब तुम, कुंतुम मतलब क्या होता है, कुंतुम कहाँ से है, काना काना कानू कानत कानता गुन्ना गुन्ता गुन्तुमा गुन्तुम, काना का मतलब क्या होता है था या होना, काना या कुन मतलब काना माने वो था या कुन माने होगा हो रहा है होगा ठीक है होता है, काना या कुन काना माने था वो था, कुन्तुम माने तुम थे, मतलब क्या होगा अनिश भाई कुन्तुम मतलब तुम थे ठीक है, कुन्तुम मतलब तुम थे, लेकिन इसके पहले क्या है तर्जुमा क्या होगा जब तुम होगे तब जब तुम होते हो ठीक है, ध्यान सुनिएगा आप भी अशरफ भाई ठीक है, ध्यान से, अल्लाह वो है जिसने आसान किया तुम्हारे लिए सफर करना जमीन में और पानी में, हत्ता यहाँ तक के इजा माने जब कुन तुम हो या तुम होते हो, कहाँ पर फिल फुल की, फुल मतलब कुछ मतलब यहाँ तक कि तुम होते हो गया, अब बताइए जब आप इसको पढ़े हैं बर रिवल बर तो आपके सामने नक्शा क्या किसका है, याद में नक्शा क्या किसका है, अल्लाह हुआ जिसने आसान के तुम्हारे लिए सफर करना जमीन में और समुद्र में, क्या नक्शा आया आपके दिमाग में, क्या आएगा दो चीज आएगा क्या है, गाड़ी पे नहीं दो चीज आएगा क्या, दो जमीन और पानी, माने आप समुद्र किनारे आप सोच रहे हैं जमीन और समुद्र, अब तो दोनों का कब तस्वीर आएगा जब आप दोनों एक साथ सोचिएगा, दोनों एक साथ कहाँ मिलेगा, समुद्र किनारे दोनों है ना, साहिल साहिल ठीक है दोनों है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक के तुम होते हो कहाँ पर, तुम होते हो कहाँ, बिल्कुल समुद्र में क्या खड़ा होगा बड़ा ऐसा जहाज, पुल मतलब शिप जहाज, यहाँ तक के तुम होते हो कहाँ पर जहाज में, तुम उखाते सामने ठीक है, वह जरा ही ना ठीक है, फिर तर्जुमा करते हैं ऐसे, अल्लाह वो है जिसने आसान के तुम्हारे लिए सफर करना जमीन में और आसमान पानी जमीन में और पानी में, यहाँ तक कि तुम होते हो कश्ती में और वो कश्ती ठीक है बहती है ठीक है, कश्तियाँ कुल मतलब कश्तियाँ होगा और वो कश्तियाँ जो बहती हैं उनके साथ रिहिन तय्यिबतिन, रिह माने हवा, तय्यिब माने अच्छा अच्छी हवा, तर्जुमा क्या हो रहा है, यहाँ तक कि तुम होते हो कश्तियों में और वो कश्ती जो है बहती है उनके साथ अच्छी हवा के साथ, उनके साथ उनको ले करके बहती है कश्ती भी के साथ, इसके साथ अच्छी हवा के साथ कश्ती जा रही है, वह फरी खूब बिहा और वो खुश होते हैं बिहा उससे ठीक है, माने ये जो सीन सामने आया कि कुछ लोग जो हैं कश्ती पर सवार हुए और कश्ती उनको ले गई, अच्छा हवा चल रहा है और फरी हो वो क्या है खुश है, फरी हा और वो खुश है बिहा, जो चीज हो रहा है उससे क्या वो खुश है, इतना अच्छा मौसम है कश्ती बह रहा है, वह जा अत माने कोई मोहनस चीज आया, जा अत हा आया मोहनस कोई क्या आया, रिहुन आसिफुन हवा तूफानी हवा, बहुत अच्छे से बह रहा था कश्ती, मिसाल कुरान बहुत अच्छे से बह रहा था कश्ती और क्या आया अच्छा हवा चल रहा था, रिह आसिफ माने तूफानी हवा टॉर्नेडो साइक्लोन आ गया ठीक है, कहाँ कश्तियों में क्या आ गया साइक्लोन आया, मैं जो अब बताइए ये कहाँ पहुँच गया आसमान, अभी कुश्ती के पास मैं गया ना, कश्ती आगे बढ़ गई है आगे बढ़ गया बीच में चला गया ठीक है, वह जा और आया इनके पास
उनके पास आया क्या आया अलमौज मौज माने पानी का लहर वेव और वेव आया मिन कुल्ली मकान माने कहां से आया हर जगह से आया ठीक है वजन और उन लोगों ने गुमान किया सोचा अन्नम के वो लोग उहीदा अहाता का मजहूल क्या उहीदा अहाता माने घेर लेना उहीदा घेर लिया गया घेर लिया जाना घिरा घिरा जाना अहाता घिरना उहीदा घिरा जाना और लोगों ने क्या गुमान किया कि वो सब क्या गए घेरा चुके हैं मैंने तूफान को घेर लिया है कोई बचने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कोई बचने का रास्ता नहीं क्लियर है ठीक है कहाँ तक गए हम लोग पता ही है अशरफ भाई कहाँ है क्या हुआ अब तक पता है सीन में कश्ती पे लोग सवार हुए पहले नक्शा आया जमीन का खुश्की का समुंदर का कश्ती में लोग सवार हो गए आगे चले गए बहुत अच्छा हवा चल रहा है फिर तूफान आया उसके बाद क्या हुआ तूफान है तूफान और लहर था पानी का समुद्र का वो उसके ऊपर आने लगा हर जगह से बिल्कुल भी मकान हर जगह से आ रहा उन लोगों ने गुमान किया कि पूरा पूरी घेरे जा चुके हैं वो लोग बचने का कोई रास्ता अच्छा हम क्या लोग इस्तेमाल किया अभी तुम लोग या उन लोग घेरे जा चुके हैं वो सर शुरुआत कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुआ था तुम लोग यहाँ कश्ती होगा क्या हो गया उन वो हो गया समझ में चेंज कैसे हो रहा है यहाँ पर वापस जा रहे वापस जा रहे अल्लाह हुआ है जिसने आसान किया तुम्हारे लिए सफर जमीन में और समुंदर में यहाँ तक कि तुम लोग अभी भी तुम चल रहे होते हो कहाँ पर कश्ती में अब आए जरैना जरा जरैना का मतलब क्या है जरा बहना भुन्ना लगा दीजिए जरैना जरैता जरै तुम्हारा बहना और वो कश्तियाँ जो है क्या होती है बहती हैं इसके साथ इनके साथ शुरुआत किससे हुआ था तुम के साथ और वो कश्तियाँ बहती हैं उनके साथ ठीक है कश्तियाँ बह रहा है कैसे बह रहा है कश्ती सर अच्छी हवा के साथ कश्ती बह रही है वहाँ जो है लोगों की तरफ था हाँ लोग यहाँ तुम से लोग आगे क्या हो गया लोग वो हो गया तुम से हो गया वो लोग सर विरहीन तो ये बदिन अच्छी हवा के साथ कश्ती बह रही है फरी हुआ वो लोग क्या है फरी तुम तो नहीं है ना फरी तुम लोग क्या खुश हो बिहार इस मौसम से हवा के साथ ठीक है इन कश्तियों से खुश हो बिहार वजह अथा और आई उनके और आई कश्तियों के पास क्या आई तूफानी हवा आई कश्ती पर तूफानी हवा आ गया ठीक है वजाहुल मौज और लहर वेव आया बिन कुल मकान हर जगह से किनके पास आया कश्ती सवार रहे किसके पास आया किसको लगा लहर कश्ती को लगा या हुम इंसान को लगा है ना हुम बताता है कि इतना खतरनाक लहर था कि हा नहीं है वो उन्ना नहीं अगर हाँ उन्ना होता तो मतलब मुराद हो सकता था क्या कश्ती कुम है कुम हमेशा आखिर के लिए इस्तेमाल होता है तो मतलब लहर इतना ऊपर उठने लगा कि पूरा मुंह में उसका क्या लग रहा है आदमी इधर उधर हो रहा है ऐसा लहर आ गया इतना खतरनाक तूफान चल रहा है ठीक है तब जाकर के ना वो सोचते हैं वजन अन्नहुम वो सब घेरे जा चुके हैं बचने का रास्ता वो सब घेरे जा चुके बचने का रास्ता नहीं है तब क्या करते हैं कश्ती पर थे फिर रिपीट कर रहे हैं तुम थे लेकिन जब आप पहुंचे साहिल में आप क्या किनारे पहुंचे अब आप क्या करने जा रहे हैं कश्ती पर चढ़ने जा रहे हैं कश्ती दूर जा रहा है कश्ती से दूर गया जमीन चेंज हो गया अभी जैसे कश्ती दूर जा रहा है कुम चेंज हो गया किसमें कुम में ठीक है कश्ती पर बैठ गए अब तब तक क्या है अभी भी आप सामने है अब सीन क्या दूर जा रहा है मतलब यहाँ से कुछ सीन चल रहा है कैमरा में और दूर जा रहा है कश्ती जब दूर जैसे किया तो क्या हो गया ये गुम हो गया और वो उनके साथ बह रही है उनको ले करके बह रही है तो जो गुम था गुम तो कश्ती जब बह रहा है उसके बाद सब गमी देख रहे क्या है
गायब है, सब गायब लगे। फरीहू बिहा, वजाअत, आया उनके पास, और आया उनके तरफ से, मार रहा है कौन वो लहर हर जगह से, और उन लोगों ने गुमान किया, अभी कहाँ फंस गए ना कश्ती में जा करके, तो जब उन्होंने ये सोचा कि हम तो गिरे जा चुके हैं, तो क्या करते हैं बोलो, दाओ, ठीक है वो दाओ है, वो वाला घूम वाला, ठीक है दाओ, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह में शुरुआत में सलाम पर सुकून ऐसे लिए मिलाने के लिए क्या हुई है दाओ। जब वो उन्होंने गुमान किया कि हम घेरे जा चुके हैं, तो क्या करते हैं दाओ अल्लाह, तो अल्लाह को पुकारने लगे, कैसे पुकारने लगे, मुखलिसीन लहुद्दीन, पूरा खालिस होकर के, कोई शिर्क के साथ नहीं, खालिस होकर के अल्लाह को पुकारने, दीन को खालिस करके अल्लाह को पुकारने लगे। क्या पुकार, समझ लीजिए पूरा उसको घेर लिया पानी ने, वो डूबने वाला है, अब मुशरिक काफिर से तुमसे क्या दुआ निकलता है, लाइन इन क्या है, अगर इन अब तक हम लोग किए नहीं, अब तक अरबी के सफर में ना इजा किए सही से ना इन किए, इजा माने जब, इन माने अगर, ठीक है ला इन इन अंजैतना, कौन सा फेल है अंजा, निजात देना, अंजा इंजी, ठीक है जब अंता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, अंजैता आपने निजात दिया, ला इन इन अगर अंजैता ला ला, अल्लाह को पुकार रहे हो, अगर आपने निजात दिया, आप कहाँ यहाँ पर कहाँ है, अब लाइन अंजय था, किसने किसको निजात दिया आपने, अगर आपने निजात दिया, हमने बचा लिया इस तूफान से जो हमको दोबारा रहने वाला, हम घेरे जा चुके हैं इससे, मिन हाजी माने ये जो हमारा सिचुएशन आ गया है, सवाल आ रहा आपका, मिन हाजी जब हम घेरे जा चुके हैं इससे, इससे आप हमें अगर बचा लें, अल्लाह नकूनन्ना, नकूनन्ना ये क्या है, काना यकून हो गया, यकून यकून का नहनु क्या होगा, नकून होगा ना, काना यकून, यकून मतलब हम होंगे, यकून मतलब काना यकून होना वो होगा, नकून माने हम होंगे, यहाँ हो जाएंगे, ठीक है नकून, असल वर्ड क्या है नकून, लेकिन नकूनू में ताकीद आ सकता है, जितना भी फेर हम लोग अभी किए हैं ना, पांच आसान वाला और जितना भी बाकी सब भी, उसमें एक नून जोड़ सकता है, एक्स्ट्रा नून, जैसे याद कर आप नकूनू था, क्या हो गया ये नकूनन्ना, जैसे नखरुजु नखरुजन्ना, सब फेर भी जोड़ सकता है, ठीक है नज़हबु नज़हबन्ना, तो ये ताकीद वाला नून है, नून सकीला, क्या नून है ये सकील माने भारी, ताकीद लाने वाला नून है, ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे, हम हो जाएंगे नहीं, या अल्लाह बेशक बेशक हो जाएंगे, कोई शक नहीं इस बात में, एकदम हो जाएंगे अल्लाह, क्या हो जाएंगे, पुकार रहे तर्जुमा करिए, ला नकुनन्ना, तर्जुमा क्या होगा इसका, ला ताकीद नून एक्स्ट्रा ताकीद, एकदम या अल्लाह हो जाएंगे हम, एकदम जरा सा विशेष नहीं करेंगे, क्या हो जाएंगे हम, ला नकुनन्ना शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे, और एक तर्जुमा क्या हो, किताब अरबी कुरान में शुक्र गुजार हो जाएंगे, दो तर्जुमा आता है, यकीनन हम इस बात में कोई शक नहीं, शुक्र शुक्र गुजार में, इसका तर्जुमा क्या हो सही होना चाहिए बताइए, यहाँ पर शुक्र गुजार हो जाएंगे या शुक्र गुजार मे से हो जाएंगे, क्या होना चाहिए तर्जुमा सही, मे से क्यों, मे से है मेन आ गया, ठीक है आप फर्क बताइए, आप सवाल है, शुक्र गुजार हो जाएंगे और शुक्र गुजार मे से हो जाएंगे, क्या बीच में फर्क बताइए, क्या फर्क है दोनों के बीच में, लहुनन्ना मिन शाकिरीन, तो बेशक है अल्लाह, ये जनरल सवाल है, अगर कोई शख्स कहता है कि हम शुक्र गुजार हो जाएंगे, अगर हम शुक्र गुजार में से हो जाएंगे तो फर्क क्या होगा, ये ऐसी जनरल सवाल, आम सवाल, लनकुनन्ना मिन शाकिरीन, लनकुनन्ना मिन शाकिरीन, कंफर्म है वो शुक्र गुजार में से हो जाएंगे, मतलब फर्क क्या हो सकता है, हम शुक्र गुजार या अल्लाह हम एकदम शुक्र गुजार बन जाएंगे, जरा सा भी शिर्क नहीं करेंगे, एक
एकदम 100% ठीक है, कुफर नहीं करेंगे। कुफर बनता क्या होता है शुगर शुगर करने वाला पहले से मौजूद है, ये सवाल हम उसमें से हो जाए ठीक है। मतलब हम कहेंगे कि बिना शाकिरीन, इसका मतलब क्या है? अब जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो खाली से जो शिर्क नहीं करते, जो शुक्र गुजार है, लेकिन मैंने उसकी पैरवी नहीं की, हम उनके बात को नहीं माने, हमने उनको बात को तवज्जो नहीं दिया, उनको गाली गलौज किया और जो भी किया ठीक है, या अल्लाह उनके तरह हम हो जाएंगे, उनमें से हम हो जाएंगे। मतलब हम कहेंगे बिना शाह गए, इसका मतलब क्या है कि ये लोग जिनके माहौल में रहते थे उनके माहौल में सही लोग भी थे, शुक्र गुजार बंदे भी थे, वो कह रहे कि अल्लाह हम शुक्र गुजार हमें से हो जाएंगे। मतलब हम जानते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन हम उनमें से नहीं थे, अब हम उनमें से हो जाएंगे ठीक है। क्या इसमें अजीब सा शायद होगा याद भाई, शुरुआत हुआ तुम में से, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसान किया क्या सफर को जमीन में और समुंदर में, यहाँ तक कि तुम लोग होते हो कश्तियों पर, कश्ती बहती है उनको लेकर, कश्ती बहती है उन्हें लेकर के, कश्ती बह रहा है अब यहाँ से सिलसिला, कश्ती में जब आग अभी भी तुम, लेकिन कश्ती जब बहना शुरू हो गया तो आस्ते आस्ते कश्ती जा रहा है, तमीज भी चेंज हो गया, अरबी में क्या गुम हो गया, मुखातिब से चला गया क्या बचा लेते तो वापस ये बगावत करने लग जाते ठीक है, जब हम उन्हें सामने ला देते, माने जब उसे हम क्या करते जमीन में ला देते तो ये क्या करते वापस वही हो जाते जैसा पहले से ठीक है। फिर अल्लाह कहते हैं कि है लो वो वापस शुरू हो गया, तुम जैसे वापस जमीन में है तो अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारी बगावत तुम्हारे ही खिलाफ हो, दुनिया की जिंदगी तो चंद है कुछ दिन का है, असल तो हुआ कि मैं तुम्हें बताऊंगा, अल्लाह कह रहे हैं कि तुम किया, जैसे अल्लाह ने कहा कि जब उन्हें बचा लेते हम, मतलब जब वो कष्ट इधर आ जाते जमीन में आ जाते तो अल्लाह कहते हैं फिर से अल्लाह शुरू किया एड्रेस करना मुखातब में तुम, आयत नंबर कौन सा है 23 22